हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ड्रीम्स ऑफ माई फादर? ड्रीम्स ऑफ माई फादर के पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। बराक हुसैन ओबामा द्वितीय इज एन अमेरिकन पॉलिटिशियन एंड अटॉर्नी हु सर्व्ड एज द 44th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 2009 टू 2017 एज अ मेंबर ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी। ओबामा वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इंफ्रारेड रेज आर, तो इंफ्रारेड रेज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन विच ईयर वॉज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA फाउंडेड? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1928 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का एक गलत उदाहरण है? अ पर्सन लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट। फॉर विच गेम हैज़ द फादर ऑफ लिंडर पेज बीन अ मेम्बर ऑफ द इंडियन नेशनल टीम? किस खेल के लिए लिंडर पेज के पिता भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं? हॉकी। द बिल्डिंग अप एंड मूवमेंट ऑफ शिप इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ? जहाज़ों का निर्माण और आंदोलन निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित है? आर्कमिडीज प्रिंसिपल। द वर्ल्ड वर्ड व्हाट डज टी स्टैंड्स इन ATM? टेलर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, T फॉर टेलर। मिराजेज आर फॉर्म्ड प्राइमरली ड्यू टू डैश ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी वॉज नोन एज? शिवाजी महाराज के समय मंत्रिपरिषद को डैश के रूप में भी जाना जाता था, अस्था प्रदान। हु इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? वट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ मास कॉल्ड? किसी द्रव्यमान पर उत्सर्जित गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? वेट, वजन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू माउंटेन पासेज? निम्नलिखित में से कौन सा युग में पहाड़ के पास एक संदर्भ में सही है? तो लिपुलेख उत्तराखंड। उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत हैं, गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। डैश, द डैश इज द आयरिस डैट मेक पिगमेंट कॉल्ड मेलानोसाइट्स। परितारिक बनाने वाले परितारिका में डैश को मेलानोसाइट कहा जाता है। सेल्स प्रकोष्ठा। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड? भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1951 में। द टोटल नंबर ऑफ बोन इन एन एडल्ट ह्यूमंस आर? एक वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 वॉज हेल्ड एट? सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन डैश में आयोजित किया गया था, कलकत्ता में। 1920 में नागपुर में, 1920 में भारतीय नागपुर में प्रेसिडेंट सी विजय राघव चारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस ऑन लेजिस्लेटिव बेसिस मोहम्मद अली जीना लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइज एंड सिक्रेट द टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन इन मैन? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में वृण हार्मोन का संश्लेषण का और स्रावित करता है? लैडिग सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द धुआंधर वाटरफॉल नियर जबलपुर? नर्मदा। सैकफर मेथड इज यूज, सैकफर विधि का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। फॉर समवन हु इज ड्रोनिंग, किसी के लिए जो डूब रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कटायन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? अमोनियम। बीडाक्यूलिन ड्रग्स वॉज डेवलप्ड टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? बीडाक्यूलिन दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया है? MDR-TB। द रोहतांग पासवे इन हिमाचल प्रदेश वॉज रीनेम्ड एज? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग मार्ग का नाम बदलकर डैश रखा गया है, अटल टनल। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्विक सिल्वर, निम्नलिखित में से किसे क्विक सिल्वर कहा जाता है? मरकरी। हु इज द ऑथर ऑफ बुक वाइज एंड अदरवाइज अ सल्यूट ऑफ लाइफ? पुस्तक वाइज एंड अदरवाइज अ सल्यूट ऑफ लाइफ सल्यूट टू लाइफ के लेखक कौन है?
सुधा मूर्ति। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज्ड एज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग डैश के रूप में किया जाता है। रेचक लैक्सेटिव। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ऑफर्स टू प्रोटेक्शन टर्म द इंश्योरेंस कवर ऑफ डैश टू द इंश्योरर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता को डैश के का सुरक्षा बीमा कवर प्रदान करती है 2,00,000। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज अ गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया। इट वॉज ओरिजिनली मेंशन्ड इन द ईयर 2015 बजट स्पीच बाय द फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इन फेब्रुआरी 2015। इट वॉज फॉर्मली लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 9 May इन कोलकाता। वट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इन टू गैस। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जब ठोस सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है। सब्लिमेशन। विथ रेफरेंस टू द वेडागेंस वेडांगाज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स द रिचुअल। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान का को दर्शाता है। कल्पा कल्प। द स्मेल डैट वी गेट वेन द LPG सिलेंडर लीक्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। LPG सिलेंडर लीक होने पर हमें जो गंध मिलती है वो डैश की उपस्थिति के कारण होती है। इथाइल मरकैप्टेन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी देती है। आर्टिकल 25-28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउस्ड बाई अ वायरस नेम द वेरिसेल जोस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स छोटी माता। इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम टू बी सेटअप इन। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम डैश के रूप में डैश में स्थापित किया जाएगा। राउर किला। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज हैंडेड ओवर द मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता टू CRPF। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को CRPF को सौंप दिया है। DRDO। द गवर्नमेंट लॉन्चेज द ग्लोबल विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल एंड मोबाइल ऐप टू कनेक्ट द इंडियन डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया भर में भारतीय डायस्पोरा से जुड़ने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रवासी रिश्ता। हाउ मेनी नेशंस हैव लॉस्ट देयर राइट टू वोट एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली फॉर नॉट पेइंग देयर ड्यूज। निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना बकाया नहीं चुकाने के लिए कितने राष्ट्रों ने अपना वोट देने का अधिकार खो दिया है। 7। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन नेवी कंडक्ट द सक्सेसफुली मेडन टेस्ट ट्रायल ऑफ सहायक कंग। निम्नलिखित में से सहायक NG। निम्नलिखित में से किस संगठन और भारतीय नौसेना ने सहायक NG का सफल युति प्रशिक्षण किया है। DRDO। हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द आयुष मिनिस्ट्री। आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। किरण रिजिजू। आयुष इज एन एक्रोमन ऑफ आयुर्वेदा योगा एंड न्यूट्रोपैथी यूनानी सीधा एंड हेमोपैथी। इंडियन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस नेवी हैव कंक्लूड 2 days नेवल पैसेज एक्सरसाइज पैसेज इन साउथ चाइना सी। भारत और निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में 2 दिवसीय नौसैनिक मार्ग अभ्यास पैसेक्स का अब समापन किया है। वियतनाम। विच ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया साइन 231 million लोन टू इन्हांस द पावर जनरेशन कैपेसिटी इन असम। असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा संगठन और भारत 231 million ऋण पर हस्ताक्षर करता है। तो ADB। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड विच फ्रूट एज कमालम। गुजरात राज्य सरकार ने किस फल का कमलम नाम दिया है। ड्रैगन फ्रूट। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन डिजिटली चेयर 148th सेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के डिजिटल रूप में से अध्यक्षता की? WHO। विच ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज़ बीन इंक्लूड द टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज ऑफ द ईयर 2021। टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 में 200 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? बायजूस। व्हाट इन विच सिटी विल द रिलायंस फाउंडेशन सेट अप 1000 बेड कोविड केयर फैसिलिटी? रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1000 बेड की कोविड 1000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा? जामनगर। व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2020? चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में पर भारत की रैंक क्या है? 49। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? मोनाको। द नावा सेवा पोर्ट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। इट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? नावा सेवा बंदरगाह भारत के सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह में से एक है। यह भारत के किस शहर में स्थित है? मुंबई। द सोहराई खोवर पेंटिंग इज ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ विच स्टेट? सोहराई खोवर पेंटिंग किस राज्य की एक पारंपरिक कला है? झारखंड। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया? लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। लीबिया ऑफिशियली द स्टेट ऑफ लीबिया इज़ द कंट्री ऑफ द मगरेब रीजन इन नॉर्थ अफ्रीका बॉर्डर बाई द मेडिटेरियन सी टू द नॉर्थ इजिप्ट टू द ईस्ट मेडिटेरियन सी टू द नॉर्थ इजिप्ट टू द ईस्ट साउथ सूडान टू द साउथ ईस्ट चाड टू द साउथ नाइगर टू द साउथ वेस्ट। करेंसी लीबियन दिनार। प्राइम मिनिस्टर अबुल हामिद डबेदे। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 50-50 इन IPL? निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? डेविड वॉर्नर। नेम द MD एंड CEO ऑफ एक्सी बैंक हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड फॉर 3 मोर ईयर ऑन द पोस्ट ऑफ बैंक बोर्ड। एक्सिस बैंक के MD और CEO के नाम क्या है जिन्हें हाल ही में बैंक बोर्ड द्वारा पद पर 3 और वर्षों के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? अमिताभ चौधरी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वोमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? निम्नलिखित में से किसे सीमा सुरक्षा संगठन बॉर्डर BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है? वैशाली हिवासे। थैंक यू।